अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा से कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा 24 सितंबर को प्रवेश हुई। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जनाक्रोश प्रभारी पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक सीडब्ल्यूसी के सदस्य कमलेश्वर पटेल ने इस बार एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने। कोतमा में भी कांग्रेस जीते। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस को अच्छा रिस्पांस मिला है और प्रदेश की जनता ने प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया है। लोग परिवर्तन चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बने। कांग्रेस का विधायक कोतमा से भी जीते और स्वाभाविक रूप से एक तरफा माहौल है। कोतमा में कांग्रेस के विधायक जीतेंगे और अब तो पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे रीजन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पूरे प्रदेश में हमें जाने का अवसर मिला है, चाहे मालवा निवाड़ हो, चाहे ग्वालियर चंबल हो, चाहे महाकौशल हो, बुंदेलखंड हो, मध्य प्रदेश में भी कई जगह जाने का अवसर मिला है। सभी जगह एक तरफा माहौल है। सब चाहते हैं कि कुशासन से, कुप्रबंधन से, भारतीय जनता पार्टी के घोटाले से मुक्ति मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले। यहाँ पे जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, लोगों को न्याय मिले। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का पूरी प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है।